हेलो विवान, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है, 10th क्लास है, ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को हम लोग आपका देख रहे थे। पहले छोटा सा एक ब्रीफ में रिविजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते। कल हमने रिसोर्सेज के विषय में पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कैसे उनको डेवलप किया जाता है, इसके विषय की थ्योरी को हमने देखा। क्लियर है? और उस पर हमने बात की कि बेसिकली डेवलप कैसे करते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद हमने देखा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं और वो आपका बेसिकली जो है, हमने उनका क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था। और क्लासिफिकेशन करने के बाद हमने चार प्रकार के रिसोर्सेज को हमने देख लिया था। और उन चारों प्रकार के रिसोर्सेज के बाद हमने एक सिनॉप्सिस को पढ़ा था। और इसमें हमने रिसोर्सेज को बेसिस माना कि आपका मैनमेड और नेचुरल के बेसिस पर, और आपका नवीकरणीय अनवीकरणीय सतत प्रवाह, जैव, बायोडिग्रेबल, अडिग्रेबल, साइकिल, रिसाइकल में, संरचना, स्थिति में, इन सब की हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है? और उसके बाद जो है, हम लोग आपका सर्वपोषणीय विकास को देख चुके थे कि बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, कि हम संसाधनों का कैसे प्रयोग करें। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला था? रियो एक जनरियो कॉन्सेप्ट हुआ था, उसी से हमने निकला, उसी पर हम लोगों ने बात भी की थी। ठीक है? और इसी में हमने एजेंडा वापर 21 को भी देख लिया। आज बेसिकली हमें पढ़ना है कि जो है इसके अंतर्गत कि संसाधन में इसमें नियोजन हमको पढ़ना है। बेसिकली भारत में नियोजन, कि भारत में आपका रिसोर्सेस को लेकर क्या प्लानिंग है। देखिए, सबसे पहले देखिए, भारत में संसाधनों की प्लानिंग, यानी कि हम कैसे आपका रिसोर्सेस को प्लान कर रहे हैं, कि कैसे हम उसका यूटिलाइज करें, कैसे हम किस तरह से यूज करें। सबसे पहले देखिए, संसाधन एक जटिल प्रक्रिया है। कैसी है? हार्ड है आपका, जटिल प्रक्रिया है। इसमें निम्नलिखित सोपान है, सोपान मतलब तरीके हैं, अलग अलग है। ठीक? देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है। पहला काम क्या है? सबसे पहला हमारा काम है कि भैया प्रदेशों में कहां कहां पर अलग अलग संसाधन हैं, उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। जैसे उत्तराखंड में कोयला मिल रहा है, सोना मिल रहा है, तांबा मिल रहा है, चांदी मिल रही, जिंक मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, एक इसकी लिस्ट बना। और इसकी लिस्ट बनाने के बाद फिर दूसरे राज्य में पहुंच जाओ कि भाई यहाँ पर कॉपर मिला, यहाँ जिंक मिली, यहाँ फास्फेट मिला, यहाँ लेड मिला, आगे जगह बोल रहे हैं टिन मिला है, कासा मिला है, ब्राउंस मिला, गोल्ड मिला, कितनी मात्रा में, किस किस में है, यहाँ तेल है, खनिज है, पेट्रोल है, इस तरह से हमको लिस्टिंग करनी है। ठीक है? पहला काम। और इस कार्य का सर्वेक्षण, मानचित्र और अनुसंधान, हाँ, कि भैया किस क्षेत्र पर है, उसको मैपिंग बनाना है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है कि लो क्वालिटी का कि हाई। ठीक है? और कितनी मात्रा और क्वांटिटी में है, ये सब मापन करने की जिम्मेदारी है। यानी कि टोटल हाँ, कुल मिलाकर पहले में मैपिंग हमको करनी है, सर्वेक्षण करना है, क्वांटिटी और क्वालिटी का हमको उसको चेकिंग बैलेंस करना है, तभी तो हम निकालेंगे। अब उसमें क्वांटिटी कम थी, खुदाई कर दी, इतनी सोना निकला 1 किलो, सोने की कीमत थी 60 लाख रुपए और खर्च आएगा 2 करोड़ रुपए, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो ये सब कुछ पहले प्लानिंग करनी पड़ती। दूसरा, इसमें देखिएगा कि संसाधन विकास योजना लागू करने में उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थाओं का ढांचा, कि भैया जितना भी हम लोग आपका संसाधन को रिसोर्सेस की हमें प्लानिंग में जो टेक्नोलॉजी लगेगी, जो स्किल लगेगी, जो इंस्टीट्यूशन होगा, उनको हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलप करना। अगला है संसाधन विकास योजना में राष्ट्रीयकृत योजनाओं का समन्वय। और सबसे बड़ी बात है जो उसमें मेन तीसरा पॉइंट है कि संसाधन जो है, हम योजनाओं को आपका प्लानिंग को हम करेंगे और नेशनल लेवल पर उनको क्या करेंगे, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है जोड़ना एक साथ, है तभी हमें चीजें और अच्छे से थोड़ी सी इनकी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। आप कह रहे हैं कि स्वाधीनता के बाद भारत में साधन नियोजन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रयास। सबसे पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद नियोजन की पूर्ति करने के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना। कैसी है? प्रथम पंचवर्षीय योजना। कह रहे किसी क्षेत्र के विकास
किसी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधनों की उपलब्धता की आशय की शर्त है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में तंदरूपी परिवर्तन के अभाव की मात्रा संसाधनों की उपलब्धता से ही विकास की संभव नहीं है। कह रहे जो उपलब्धता है उसी से आपका विकास संभव नहीं है। देश में बहुत से क्षेत्र हैं जो संसाधन समृद्ध होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े गिनती में आते हैं। कुछ आपके पिछड़े हुए हैं जो उन गिनती में आते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जो संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो संसाधनों की कमी के रूप में आपका जो विकसित हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। कह रहे हैं क्या आप संसाधन संपन्न परंतु आर्थिक रूप से पिछड़े और संसाधन विहीन परंतु आर्थिक रूप से विकसित प्रदेशों के नाम बता सकते हैं? ऐसी परिस्थितियां होने के क्या कारण हैं? हमको ये भी देखना है ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को, उन रीजन्स को हमको देखना है। उपनिवेश का इतिहास हमें बताता है कि उपनिवेश में संसाधन संपन्न प्रदेश और आक्रमणकारी के लिए मुख्य आकर्षक रहे हैं। कह रहे कि चाहे उपनिवेश का टाइम पीरियड हो जब अंग्रेज भारत में आए हैं, चाहे आप वाला इतिहास देख लीजिए। और उपनिवेशक क्यों आए हैं? क्योंकि भारत में संसाधन की जो प्रदेश में वो आपकी संपन्नता है, और इसीलिए विदेशी आक्रमण भी हुए हैं कि भारत से वो संसाधन वो रिसोर्सेस को ले जाया जा सके। और यही क्या आ रहे हैं जो है कि आपके रिसोर्सेज ही क्या आ रहे हैं, लोगों का आकर्षण के लिए मेन केंद्र रहे हैं। अब केंद्र कैसे रहे हैं? आपने देखा कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उन्होंने रॉ मटेरियल को इकट्ठा किया और उसको कहां ले गए? आपके इंग्लैंड। जैसे क्या लेके गए? नील ले गए, सोना ले गए, चांदी ले गए, तांबा ले गए, कांसे की मूर्ति ले गई, महंगी इमारतियां आपके लकड़ी यहां से ले जाते थे। क्लियर है? रॉ मटेरियल में आपका बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई, कॉटन को यहाँ इन्होंने अपना कल्टीवेशन किया, उसको उगाया और अपने देश में जाकर ब्रिटेन में उसका धागा और कपड़े बनाकर वापस भारत भेजा। कह रहे कि उपनिवेश देशों के बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेश के संसाधनों में शोषण किया और उन पर अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। क्या कर लिया? अपना अधिपत्य स्थापित कर लिया। अतः संसाधन किसी प्रदेश के विकास में तभी योगदान दे सकता है जब वहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकास और संसाधन परिवर्तन किया जाए। उपनिवेश के विभिन्न चरणों में भारत इन सब का अनुभव किया है। अतः भारत में विकास सामान्यता तथा संसाधन विकास लोगों के मुख्यता संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित नहीं था। कैसा नहीं था? इनकी संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का योगदान हुई है। कि केवल यही नहीं है कि जो मुख्य संसाधन है उन्हीं पर वैसे चीजें हैं, वही भारत में डेवलपमेंट का जनरल ही है। नहीं, कुछ हमने हमारे आपका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस भी है जिनके बेसिस पर हमने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करेंगे, क्वांटिटेटिव बनाएंगे। ठीक, अब किस में कह रहे हैं संसाधनों का संरक्षण। सबसे पहले क्या करेंगे हम? संसाधनों का संरक्षण करेंगे। तो संरक्षण पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है पूछ लीजिए। बढ़ जाए बच्चों, चलिए। कह रहे हैं कि संसाधनों का संरक्षण, बेसिकली हम संसाधनों को बचाएंगे कैसे? ये हमारे पास हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो गई है। अगर हम सही तरीके से बिना विवेक के, बिना प्लानिंग के अगर हम इनका उपभोग करेंगे, अति उपयोग करेंगे, तो हमारे क्या होगा? सामाजिक आर्थिक समस्या होगी और पर्यावरणीय समस्या क्या हो जाएगी? आपकी पैदा हो जाएगी। इन समस्याओं से बचाव के लिए
विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। कैसा है? संसाधनों का जो संरक्षण है वो कैसा है? आवश्यक। भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेता और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा। गांधी जी ने संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता जताई है। इन शब्दों में व्यक्त की है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ है, लेकिन किसी लालच की संतुष्टि के लिए कुछ नहीं है। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं। अब इसको थोड़ा सा लाइन को समझिए, द्वारा पढ़ेंगे। कह रहे हमारे पास हर व्यक्ति के लिए आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, यानी कि जितना जिस व्यक्ति को अपने खाने के लिए, अपने रिसोर्सेस के लिए जितना आवश्यकता चाहिए उतना हमारे पास है, लेकिन लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। कोई ये चाहे कि मेरा बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन कर लूंगा, मेरे को ये कर लूं वो कर लूं, तो किसी के लालच फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं। हमारे पेट भरने के लिए बहुत है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। समझ रहे? हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं कि हम अपना काम चला सकते हैं, खा सकते हैं, पेट भर सकते हैं, लेकिन वो चाहे मैं उससे पैसा कमाऊं, पेटी भर लूं, तो वो हमारे पास नहीं है। इसके अनुसार विश्व संसाधन पर हास के लिए लालची और स्वार्थी व्यक्तियों में आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति है। वे अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध हैं और इसके स्थान पर अधिक बड़े पैमाने जन समुदाय और उत्पादन के पक्षधर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित और तरीके के संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर आप बात करो कि भैया इन संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए, इसकी बात कब की थी? 1968 में क्लब ऑफ रोम में की थी। सोचिए 68 में बात कर रहे थे और आज हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। कह रहे हैं कि तत्पश्चात 1974 में सुमेर सर ने अपनी पुस्तक इस्माइल इज ब्यूटीफुल में विषय पर गांधी जी के दर्शन के बारे में एक बार फिर आपका पुनरावृत्ति की है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन करना, किसी चीज को दोहराना, ठीक है। और 1987 में ब्रिटेन लैंड आयोग रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण की मूलधार योग है। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट के बाद हमारा साझा भविष्य एक आवर कॉमन फ्यूचर नामक शीर्षक रिपोर्ट आपका जारी की गई, ठीक है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित एक आपका सम्मेलन में किया गया था। तो यानी कि ऐसा नहीं है केवल हम ही कर रहे हैं, नहीं, वैश्विक लेवल पर भी इसको सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी पहले हमारे सामने आई हैं और हमने उनको गौर करके देखा। क्लियर है? क्या तरीके हैं, क्या रिसोर्सेस हैं, उन सबको हमको आपको थोड़ा सा देखना चाहिए और बात करनी चाहिए। अब है भू संसाधन। भू मतलब आपके पृथ्वी, संसाधन मतलब जो आपके पृथ्वी के अंदर रिसोर्सेस हैं, उन संसाधनों की बात कर। हम भूमि पर रहते हैं इसलिए अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति, वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रिया, परिवहन, संचार व्यवस्था भूमि पर आधारित है, परंतु भूमि तक सीमित संसाधन है। इसलिए उपलब्ध है कि उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। कैसा हो? सब कुछ वेल प्लान तरीके से ये सारी चीजें होनी चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृति जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भूभाग मैदान में है, जो कृषि और उद्योग क्षेत्र के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वतें पूरे भूभाग के 30% भाग पर हैं।
यानी जितना भी आप देखेंगे जो पर्वत है वो हमारे पूरे भूभाग पर कितना है, 30% है। कुछ बारहमासी नदियों का आप आपका प्रवाह सुनिश्चित करती हैं, कुछ ऐसे रिवर हैं जो आपका पूरे साल फ्लो होती है, जैसे गंगा यमुना है और आप देखोगे, और जो आपकी झेलम व्यास रावी सतलज है, सिंधु खान जो आपका नदी का सिस्टम है, वो आपका 12th मंथ आपका क्या है, एक पानी की जो आपकी वाटर फ्लोइंग है वो आपके प्रोवाइड कराता है। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जो आपका टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए चीजें चाहिए और परिस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। देशों के क्षेत्र क्षेत्रफल लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में खनिज जीवाश्म ईंधन और वन का अपार संचय कोष है। कैसा है? अपार संचय कोष है। अब ये भी दिखाया गया, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, कितना पढ़ना है पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़े। आगे बढ़े, चलिए अब बात करेंगे थोड़ा सा जो है भू उपयोग की, कि हम रिसोर्सेस का उपयोग कैसे कर रहे हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य से किया जाता है, कि जो हम लोग आपका इनका जो आपका यूज कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। जैसे भूमि संसाधनों का उपयोग, पहली बात वन, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि। अब कृषि में भी दो प्रकार की भूमि है, बंजर और अकृषि योग्य भूमि। गैर कृषि प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे इमारत सड़क उद्योग बनाने में हम लैंड का प्रयोग करते हैं। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य अस्थायी चरगाह, अन्य गोचर भूमि, आपका विविध वृक्ष फसल उपवन अधीनस्थ भूमि जो आपका शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। और अगला है सह कृषि योग्य बंजर भूमि, जहां 5 से अधिक वर्षों की खेती ना की गई हो, तो ऐसे क्षेत्र भी है, ठीक। एक है प्रति भूमि, इसको इम्पोर्टेंट करिए, कहने की वर्तमान आपका प्रति, जहां एक कृषि वर्ष में कम समय से खेती ना की गई हो, वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि आप 1 से 5 साल में खेती ना की गई हो, यानी कि एक तो वो जगह है जहां 1 साल से कम समय खेती ना की गई हो, और वर्तमान में क्या बना है, जहां 1 से 5 साल के बीच तक अगर किसी पर कोई खेती ना की गई हो तो वो क्या है आपका प्रति भूमि, ठीक है। शुद्ध नवल, बोया गया क्षेत्र वह जिसमें फसलों में उगाई और आपका कटाई जाती है वह शुद्ध रूप से बोया गया क्षेत्र कहलाता है। एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध नवल बोए गए क्षेत्र के साथ जोड़ दिया जाता है और सकल कृषि क्षेत्र कहलाता है। तो कृषि क्षेत्र क्या है, ध्यान दीजिए, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए शुद्ध, शुद्ध को बोलते हैं नवल, आपका क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है तो वो सारा हमारा निकल जाता है। अब देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर दिया है, कितना कुछ है हमारे पास, ठीक है। कंपेयर किया है 1961 से लेकर 2014-15 के बीच, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास नेट बोया गया क्षेत्र है, ये वाला ये बोया गया क्षेत्र है, ये हमारे पास बाप का प्रति भूमि है, ये हमारे पास वर्तमान प्रति भूमि है, और ये हमारे पास क्या है, शुद्ध निवल क्षेत्र, ये ज्यादा है, और योग्य बंजर भूमि ऐसी है जो हम कृषि कर सकते हैं 4%, ठीक है। यानी कि ये इनमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, अगर आप इनको कंपेयर करोगे दोनों जो पाई चार्ट आपको लिए, भारत में भू उपयोग का स्वरूप, यानी कि भारत में जो आपका लैंड यूज होती है उसका पैटर्न क्या है, थोड़ा देख लीजिए।
कह रहे हैं कि भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार, मानवीय कारक, जनसंख्या संगठन, प्रौद्योगिकी क्षमता, परंपराएं शामिल हैं। भारत का कुल भौतिक क्षेत्रफल 38.8 वर्ग लाख किमी है, परंतु इसमें 93% पर ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि क्योंकि उत्तर ध्रुव प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रदेशों में सूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान और चीन के पे अधिकृत क्षेत्र की भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। भू उपयोग के लिए दो क्षेत्र हैं, 4.1 को आप पता लगाएंगे और इनको हम लोग आपका देखेंगे, और नेट बोया नवल भूमि को भी हम लोग आपका बात कर लेंगे। कह रहे हैं कि स्थायी चारागाह के अंतर्गत भूमि कम हुई है, कह रहे जो हमारी स्थायी चारागाह था उसमें भूमि कम हुई है। आप इन चारागाहों के बारे में 11वीं जो है आपका 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर। कह रहे पशुधन इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराना कैसे समर्थ है, कह रहे जितनी बड़ी हमारे पास पशुधन है उनके लिए हम कैसे चारा उपलब्ध कराएं, इसके क्या परिमाण होंगे। वर्तमान पूरी भूमि के अतिरिक्त यह परती अन्य भूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लाना बहुत ज्यादा है। भूमि में दो या तीन वर्षों में एक या दो बार बोया जाता है, और यदि इसे शुद्ध न बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है तब भारत की कुल सिंचित क्षेत्र में लगभग 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है। बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों से भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि खेती की जाती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से कम क्षेत्र पर आपका खेती की जाती है। एक और कह रहे हैं कि हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1952 वनों का निर्धारण करती है कि हमारे पास 33% वन होने चाहिए, जितनी हमारी टोटल लैंड है उस पर 33% हमारे पास क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। इसकी तुलना में वन के अंतर्गत काफी क्षेत्र कम है। वन नीति द्वारा निर्धारित सीमा पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कह रहे जितना हमको वन चाहिए उससे हमारी जो आपके इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आपका बना रहेगा, और इसको बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि वन क्षेत्रों के पास रहने वाले लाखों लोगों की आजीविका पर ये आपका निर्भर करती है। भू उपयोग एक बड़ा भूभाग, दूसरा गैर कृषि प्रयोजन में लगी गई भूमि है। आपका भूमि बंजर भूमि में पहाड़ी चट्टाने, सूखी मरुस्थल भूमि शामिल है। कह रहे हैं कि गैर कृषि योजन में लाई गई भूमि, बस्तियां, सड़क, रेलवे लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भूमि संरक्षण और प्रबंधन में अवहेलना करने एवं लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का निम्नीकरण हो गया है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर जो है आपदा आ सकती है। फिर जिस तरह से हम इनका उपयोग कर रहे हैं, इन उपयोग के कारण भू रिसोर्सेस में आपका डिग्रेशन यानी कि निम्नीकरण हो सकता है, ठीक, और जिससे क्या हो सकती है, समस्या पैदा हो सकती है। तो अब आप एक बार जितना पढ़ा है पूरा इसके बारे में देख लीजिए, कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए, और बच्चों फिर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कोई डाउट कोई क्वेरी है किसी बच्चे की आप मुझसे पूछ लीजिए। कोई भी क्वेरी किसी बच्चे की, कोई क्लास जो है मेरे प्यारे बच्चों आपने देख लिया, कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछिए, नहीं तो बच्चों भूमि का निम्नीकरण और संसाधन के विषय में जो चरण हो रहा है उसके लिए हम कल पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।